रहे हैं। सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश प्रभावित हुआ है। छात्रों ने हिंसक आंदोलन किया, लेकिन बीजेपी अपनी स्कीम पर अड़ी हुई है, उसके फायदे गिनाए जा रहे हैं। तो अब स्कीम के विरोध में राजनीतिक दलों ने कमान संभाल ली है। सबसे पहले आरजेडी के तेजस्वी यादव आगे आए और 20 सवालों की फेहरिस्त सामने रख दी। तो दिल्ली में कांग्रेस ने धरना देकर स्कीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अग्निपथ के विरोध में राजनीति, आरजेडी और कांग्रेस ने खोला मोर्चा। जवाब देने मैदान में उतरी बीजेपी। छात्रों के प्रदर्शन के बाद अब सियासी दलों ने अग्निपथ स्कीम का विरोध करना शुरू कर दिया है। बिहार में इसकी कमान तेजस्वी ने संभाली, तो दिल्ली से कांग्रेस ने इसका आगाज कर दिया। तेजस्वी ने तो 20 सवालों की झड़ी लगा दी। नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया गया, निजीकरण कर दिया गया, आपने देखा होगा। और अब जो है सेना में भी हस्तक्षेप किया जा रहा है, और इसको जो है ठेकेदारी प्रथा से अब बता नहीं, अब सवाल तो है ना जाए इसकी, 4 साल के बाद युवा क्या करेंगे जी, कैसे वो अपना घर चलाएंगे, तो ये तो महत्वपूर्ण सवाल है। एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा, ऐसी स्कीम को जो इस सेना, इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। तेजस्वी ने बकायदा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवालों की झड़ी लगा दी। बताए कि 1 साल में अग्निवीरों को 90 दिन की छुट्टी मिलेगी या नहीं। अग्निपथ योजना अगर न्याय संगत है तो अफसरों की ठेके पर भर्ती क्यों। ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए मनरेगा है या आरएसएस का हिडन एजेंडा। बेरोजगार होने के बाद जो राशि मिलेगी क्या उस पर टैक्स भी लगेगा। अग्निवीरों को सरकार अगर सैनिक मानती है तो उन्हें ग्रेच्युटी मिलेगी। क्या सरकार अग्निवीरों को कैंटीन और चिकित्सा की सुविधा देगी। क्या सरकार ने रक्षा एक्सपर्ट से फीडबैक लिया या नहीं। क्या ये सरकारी योजना नहीं जिसमें विशुद्ध 75% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या इन अग्निवीरों की उच्च शिक्षा प्रभावित नहीं होगी। कुल 20 सवाल दागे। इन सवालों पर बीजेपी जवाब देने के लिए मैदान में आई। जिस तेजस्वी यादव ने सवाल किया उनको नैतिक अधिकार है किसी सवाल का। जो जॉब के बदले जमीन लेते हैं युवाओं से, वो आज सवाल उठा रहे हैं। उनको उस दिन वो कहाँ थे जब अपने लिए मॉल बनाए थे और युवा बेरोजगार हो रहे थे। जब बीजेपी अपने सत्ता में सहयोगी दलों को नहीं समझा पा रही है तो फिर ये नौजवान भला क्या समझेंगे। अग्निपथ को लेकर बीजेपी कई फायदे गिना रही है, लेकिन इन फायदों को सेना में जाने की तैयारी करने वाले छात्र नहीं समझ रहे हैं। दानापुर में तैयारी करने वाले छात्र इस स्कीम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अग्निपथ का वापस लिया जाए, जो नियम नया लगा है टीओडी इसको भी वापस कर दिया जाए, और जो पहले से चल रहा था उसी पर हो, एग्जाम भी हो। पहला बात, ये योजना लाया गया है तो सबसे बड़ा गलती किया गया है। और 4 साल के लिए नौकरी दिया जा रहा है तो 4 साल में हम लोग तो पढ़ाई से बहुत दूर चले जाएंगे। अब बीजेपी तो स्कीम को समझा रही है पर छात्र समझने के लिए तैयार नहीं है, और अब सियासतदान भी स्कीम के विरोध में राजनीति